सर मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार हमें आप सुन पा रही हैं हमको? मिल रही है, जी मिल रही है नमस, आपकी आवाज। नमस्कार नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या नमस्कार, है? आपका नमस्कार। मेरा नाम नाम क्या चौधरी है? वीर सिंह है। मैं चौधरी वीर मुरादाबाद सिंह। जनपद से आया हूँ। भारतीय किसान यूनियन का मंडल का, मतलब मंडल का और जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अच्छा, आप अब भारतीय सवाल किसान करें यूनियन? आप। जी अच्छा, तो वीर सिंह जी मुझे ये बताइए, चौधरी वीर सिंह जी मुझे ये बताइए, आप किस चीज की एक तो खेती करते हैं ये बताइए पहले। ठीक देखो जी, हम गेहूं की भी खेती करते हैं, है ठीक धान की भी खेती करते हैं और है, गेहूं गन्ने की सबसे ज्यादा खेती करते हैं। धान और गन्ने की सबसे ज्यादा खेती करते हैं। ठीक है, चौधरी वीर सिंह जी मुझे ये बताइए, आप किन मांगों के साथ आए हाँ, हैं इस बॉर्डर पे? क्या मांग लेके आए हैं आप आवाज सरकार के कट लिए? रही है। अरे हम लोग लगातार थोड़ी इंटरनेट की हाँ, मुश्किल। जी चौधरी वीर सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी चौधरी वीर सिंह जी, आप किन मांगों के साथ बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल की बिल्कुल। किन मांगों के साथ दिल्ली की सरहद पर आए हैं ये बताइए। फिर आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। आई हम लोग क्या क्या चौधरी वीर करा सिंह जाए जी चौधरी वीर सिंह जी, जी, जी अभी आवाज मिल रही है बड़ी मेरी? समस्या आ रही है। ये सब इंटरनेट की समस्या है क्या है भाई? जी ये इंटरनेट की समस्या है क्या? आप एक बार मेरे साथी मयंक को अपना हेडसेट देना चाहेंगे जो आपके कानों पे लगा हुआ है, हेडफोन? कट कट के आ रही है आवाज, आ तो रही है, क्या करूं? आपका जवाब दूं अच्छा तो कैसे दूं कि आवाज, आपका सवाल मुझे पूरा मिल नहीं पा रहा। कोई बात, मेरा सवाल छोड़िए चौधरी वीर सिंह जी, आप आपका दें कोई जवाब, सवाल संदेश, करें चौधरी वीर सिंह जी आपका जनता के लिए कोई भी संदेश हो तो वो दे दीजिए, मेरा संदेश। सवाल, या सरकार के लिए, आवाज जनता को छोड़िए। कटी सरकार के लिए संदेश जरूर देंगे, किसानों के जी लिए तो बिल्कुल संदेश दीजिए। जा ही रहा है। जी पहली बताइए। बात तो आपके, आप जो ये इंटरनेट पे या व्हाट्सएप के जरिए ये प्रोग्राम चला रहे ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि सरकारी मीडिया है, हम तो सरकारी मीडिया ही कहेंगे, वैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये, लेकिन पता नहीं किस उसमें दबाव में ये हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, भ्रमक प्रचार कर रहे हैं। ये गलत तरीका है। ये सरकार के लिए संदेश ये है कि इन्हें सुदबुद्धि आवे और किसान की बात को सुने और उस पर विचार करें, और जो है मतलब जितनी जल्दी ये इस समस्या का समाधान करेंगे उतनी जल्दी सरकार के हित में रहेगा। यानी जितना इसे, ये अगर इनके मन में गलत फहमी है कि हम इसे लंबा खींच के आंदोलन को तोड़ देंगे, तो इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम सन 1988 में भी इस दिल्ली के दिल पे, जिसे राजपथ बोला जाता है, इंडिया गेट पे, बेटे हम आज के सिपाही नहीं है, हम सन 87 के सिपाही हैं। हमें ठंड क्या रोके कि हम रात के 12 बजे भी गेट में पानी देने जा, सुबह को 4 बजे ट्रॉली भी भर रहे हैं, सारी सारी रात हम मिल में गन्ने की ट्रॉली पे पड़े रहे हैं तो लाने के लिए, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। समस्या इस सरकार के लिए आएगी, जितना डिले करेगी इतनी किसान की सहानुभूति किसान के प्रति बढ़ेगी, और लोग जो देश की जनता है वो भी देख रही है, वो उसकी भी संपत्ति हमारे प्रति बढ़ेगी। और एक चीज और है कि सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना, जैसे कि बयान दे देना कि साहब इसमें खालिस्तानी है, आतंकवादी है, या मतलब पाकिस्तानी है। अभी तो इनका दाव न पड़ रहा ना, ये भी कह देंगे कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, हमने पता लगा लिया। ये कह देंगे कि विदेशी फंडिंग हो रही है और बड़ा पैसा आया है आंदोलन को चलाने के लिए, लेकिन इनकी आंखों हम खोल के रुकेंगे, आंखें खोल के रुकेंगे। सन 88 में भी हम बोट क्लब पे, जो राजपथ जिसे बोला जाए, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का इलाका, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक। हाँ जी कौन सा ब्लॉक क्यों ना जानते हम तो, लेकिन हमने उस पे 10 दिन रह के, 11 दिन रह के, और राजीव गांधी को ये दिखा दिया था कि हम क्या चीज हैं। 10 10 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई उस जमाने, जब तो बाबा फोन भी ना थे, ये फोन नहीं था, टीवी है ना, जैसे टेलीविजन बोला है, यो भी गांव में 10 घरों में होवे था। आज हर बालक की जेब में नेट है, यो चल रहा है यो फोन,
जो जो चला मैं इंटरनेट पे और उस पे, तब हम पे तो बेटा आज भी वही छोटा सा फोन है, हमारे बच्चे ही देखे हैं घर पे, वो ही हमें बता मैं पापा आज ये हो रहा आज वो हो रहा। तो हमें आपके और भी इसके ग्रुप के ये लोग मिले जो चलाते हैं व्हाट्सएप वगैरह, जैसे आपका चैनल है, तो वो हमसे कह रहे, मैंने भैया बधाई तुमने हमारा संदेश युवा पीढ़ी को बड़े जोर से दिया, हमारी युवा पीढ़ी अज्ञानता में जी रही उसे ज्ञान आ गया। अब रही बात आंदोलन की, संदेश ये है, आंदोलन की बात ये है कि भाई अब हम जब घर से आए हैं तो घर से फोन आवे कि कुछ लेके आइयो, खाली हाथ मत आइयो। नहीं, ये फोन आ रहा है बेटे कि कुछ लेके आना। अब ये बताओ किस मुंह से जावे, गांव में लोग पूछेंगे भाई क्या करिए है, क्या लाए हो, तो हम पे क्या जवाब है। तो अब हमारे सामने करो और मरो की स्थिति है, सरकार एक स्टेप पीछे हटके हमसे बात कर ले। अरे भाई मान सम्मान की क्यों बात करा रहे हो, अरे हम ये कह रहे हैं कि इन्हें वापिस लेकर दोबारा से संशोधित करके ले आओ संसद में, बहस करा लो। कोरोना का बहाना बना के एक बताऊं, ये जो बिल क्यों लाए गए, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कोरोना काल में जब ऐसी स्थिति आई, सारा देश बंद हो गया, सब कुछ कैद हो गया, लेकिन भाई हमें तो इस कोरोना ने उस टाइम में भी ना खाया, हमने गेहूं भी कटवाई, गेहूं भी निकलवाई, भूस भी डुलवाया, गन्ना भी तुलवाया, तो उस टाइम पे सारे देश की जो ग्रोथ थी वो गिर गई, और एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3 से 5.5% की बढ़ोतरी दिखाई। अब ये जो व्यापारिक वर्ग है, जो क्या कहना है, अडानी है, अंबानी है, कौन कौन से हैं, ये इन लोगों को लगा कि भाई सबसे फायदे का सौदा तो यो ही है, इसमें नुकसान तो कुछ होना ही नहीं है, जब नुकसान नहीं होना तो इस पर कब्जा कर लो, इस पर कब्जा कर लो। ये बहुत गहरी बात है, ये इनकी सोच के बहुत गहरी बात है, इस पर कब्जा करके बैठ जाओ और इस किसान से कारपोरेट के बहाने जमीन छीन लो। अब एक बताओ हमें आने वाली नस्लें क्या कहेंगी, क्यों नहीं विरोध करा, क्यों हमारी जमीन गिरवी रखवा दी, हम क्या जवाब देंगे? अब घर जाके क्या बता मैं, क्या है, या तो ये वापिस हो, उससे बाद में तो उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं, या तो ये सरकार हमें गोली मारे, जेल में डाले, कुछ भी करे, करो और मरो का सवाल है। अब एक बात सुनो, मोदी जी ने 7 साल तक मन की बात हमें खूब सुनाई, अब एक बार हमारे मन की बात भी सुन लो, अरे किसान के मन की भी तो बात सुन लो, इतना गुर्दा रखो किसान के मन की बात सुनने का, भाई और बहनों कह के बहकाने का काम मत करो, हमें हम नहीं बहकेंगे, हमारा बहुत हिमालय की चट्टान जैसा इरादा है। अब वो 36 इंच का चीना है जने 80 इंच का सीना है, वो अब हमसे टकराएगा जब पता लगेगा किसका सीना कितना जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी वीर सिंह जी, आपने इतनी बातें बताई कि मुझे आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई कि जो कोरोना काल था उसमें सारे सेक्टर्स में लॉस हुआ, सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर में लॉस हुआ। और मैं आप लोगों को दर्शकों डेटा के हिसाब से बता देती हूँ, अंबानी जो है रिलायंस की जो स्टोर्स है रिटेल स्टोर्स, उसमें सिर्फ जो ग्रोसरी उनका है, ग्रोसरी मतलब उनका जो किराने का सेक्टर है, वहां पे 21% का मुनाफा रिकॉर्ड हुआ था अप्रैल में जून में, जबकि बाकी सारे सेक्टर्स में लगभग आधा 50% उन लोगों ने लॉस झेला। तो जो चौधरी वीर सिंह जी कह रहे थे वो बात एकदम 100% सही है। चौधरी वीर सिंह जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, आपने इतनी बातें बताई और इतने, अभी तो बेटा बहुत बात है, अभी तो बहुत बात है, सरकार की सारी पोल खोल देंगे जब हमसे आप मिलोगे, और हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचेंगी और उन्हें ये असलियत का पता लगेगा। अभी ये जो कह रहे हैं ना एमएसपी की बात, एमएसपी भी इतना बड़ा फंडा है, मैं आपसे बताऊं मैंने झेला है, 80 क्विंटल धान। अभी बताओ आप मोटा चावल खाओ बेटा या बारीक पतला वाला खाते हो मोटा? सरकार कह रही है मोटा धान खरीदेंगे, मोटा धान दो, बारीक धान नहीं खरीदेंगे। है भाई दुनिया बारीक धान खावे, तुम मोटा खरीद रहे हो, और मोटा खरीद गया, मोटा भी हेलो दर्शकों शायद उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है, पर आपने अभी अभी चौधरी वीर सिंह को सुना, उन्होंने इतना डिटेल में बहुत सारी बातें बताई।
अभी वो बता रहे थे कि वो उस पीढ़ी से आते हैं जिसने 1988 में दिल्ली को घेरा था, दिल्ली के दिल को घेरा था, मतलब राजपथ पे आए थे उस जमाने में जब ना इंटरनेट हुआ करता था ना फोन होते थे, गांव के सिर्फ 10 घरों में शायद टीवी हुआ करते थे, जैसा कि चौधरी वीर सिंह जी कह रहे हैं। उस जमाने में 10 लाख किसान पहुंच गए थे दिल्ली तक, तो ये जमाना तो बहुत अलग है वो। जी चौधरी वीर सिंह जी, आप वापस आ गए, आप बता रहे थे कुछ, आप MSP पे कुछ बता रहे थे धान की। तो हाँ, MSP पे जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 6% धान हर चीज की खरीद होती है, और हमारा जो कहना है कि MSP को बैकिंग पावर दो, पीछे से सरकारी कानूनी अधिकार उसे दो कि जो कोई भी MSP से नीचे खरीदे उस पर कम से कम 10,000 जुर्माना, 5 साल की सजा हो, वो इस तरह से किसान को उसका साथ मिलेगा। अब एक बताओ, भाव तो तुमने तय कर दिया और खुले मार्केट में छोड़ दिया कि लूट लो भैया, जिस मक्का का 1800 का भाव है वो 800 को बिक रही है, तो उस MSP का फायदा क्या है? अच्छा, हमसे वो मक्का 1800 के भाव वाली 800 में खरीद ली, और चावल हमसे जो धान है वो हमसे जो है मतलब क्या कहें 1000 में 1200 में खरीद लिया, और आगे पता उसका नतीजा क्या होगा? अभी हम जगा रहे हैं इस देश की दुनिया को, अगर इस देश की जनता को अगर इसका सद्बुद्धि आ जाना, हम तो देखो डूबेंगे सनम, लेकिन हमारे बाद ये भी मारे जाएंगे जितने उपभोक्ता इस देश के हैं। बड़े बड़े मॉल खुलेंगे ये अडानी अंबानी के, और वो अब फोन में स्क्रीन टच चले ना, और वो कह दें कि आटा दाल चावल नमक मिर्च मसाला फोन पर मंगा ले, आते हैं नहीं फोन पर घरों पर। जी बिल्कुल, है तो जो 10 रुपए का है वो आपको सीधा 50 रुपए में मिलेगा, और वो आज भी चल रहा हमसे अरहर अरहर 5,000 कुंटल में खरीदा जा रहा, उड़द 3,000 कुंटल में खरीदा जा रहा, तो दाल किस भाव मिल रही है? दूध हमारा 25 रुपए लीटर खरीदा जा रहा, आपको हो सके 70-75 में मिलता हो, और अगर कम में मिल रहा है तो वो दूध 100% सिलो पाइजन है, जो मतलब सिंथेटिक दूध बोलते हैं उसे, उसका मावा भी बनेगा, हर चीज तैयार होगी, लेकिन वो धीमा जहर है, किस चीज से बनता है उसका फार्मूला हमें पता, वॉशिंग पाउडर से यूरिया से और कई चीजें उसमें मिक्स करके दूध तैयार करा जाता। इस देश में इतना दूध हो रही है। हाँ जी बोले तो चौधरी वीर सिंह जी, दर्शकों आप हमसे कह रहे हैं कि जो अभी नुकसान फार्मर भुगत रहे, ऐसा नहीं कि उपभोक्ता ये नुकसान नहीं भुगतेंगे, आने वाले टाइम में जो ये पूंजीपति हैं और उद्योगपति हैं ये प्रॉफिट आपसे भी कमाएंगे, तो प्लीज ऐसा मत मानिए कि ये मुद्दा सिर्फ फार्मर्स का है, ये आप सबका मुद्दा है। हाँ, आप चौधरी वीर सिंह जी कोई और बात है तो बताए, नहीं तो मेरे जो साथी आपके साथ है प्लीज उनको आप हेडफोन दे दीजिए। चलो फिर बात होगी, इनसे मुलाकात फिर करेंगे, अभी तो हम पर बहुत मसाला है, आप थक जाओगे सुनते सुनते, और सच्चाई है, झूठ नहीं है इसमें, इस सच्ची बात को आप जनता से ज्यादा शेयर करो जो हमें कोऑपरेट कर, बस हमारा यही आपसे निवेदन है और आग्रह संदेश है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, और नमस्ते। जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार। Thank you.